नमस्कार साथियों, आज महाराजा सुहेलदेव राजभर फिल्म प्रोडक्शन और स्मिता म्यूजिक कंपनी के रिकॉर्डिंग स्टूडियो में ग्राम सभा मुजरा कुसिया जलालपुर जौनपुर उत्तर प्रदेश से चल के आए हुए वहाँ की प्रधान, तीन बार से प्रधान है श्रीमती पन्ना देवी राजभर जी, जो आज हमारे बीच में आए हैं। नमन सुहेलदेव के आप लोग देखते होंगे कैसे उसमें इनका इंटरव्यू था, उसके बाद राजभर समाज जो महाराजा सुहेलदेव राजभर फिल्म प्रोडक्शन की तरफ से सम्मानित किया गया, और अक्सर गाना में देखते होंगे विशेष सहयोग में इनका नाम जाता है। आज हमारे बीच में मुंबई में है। आज माता जी आप यहाँ पर चल के आए, आपका हम लोग अभिनंदन करते हैं, और आज यहाँ आकर के आपको कैसा महसूस? बहुत अच्छा लग रहा है, भगवान करे हमारा आशीर्वाद रहे, आप लोग ऐसे ही नाम करते रहिए और आप लोगों को सफलता मिले। कभी जी आप ये मास्टर नंदलाल राजभर को जानते हैं, ये शूटिंग में साथ में गए थे, कभी से सुहेलदेव जी का गाना लिखे थे ये कि पूरे विश्व में पहला कैसेट ऐसा है जो सेंसर बोर्ड से पास हुई, माने पूरे विश्व में पहली बार जो है सरकार द्वारा कोई प्रमाणित काम हुआ है तो वही कैसेट के ऊपर, और कोई प्रमाणित काम ऐसा नहीं हुआ है फिल्म जगत में, तो यही हमारे कवि जी हैं, तो आप पहचान रहे हैं। कवि जी कुछ पूछना चाहती है, तीन बार से प्रधान है, मजाक बात नहीं होता है, इतना समाज सेवा करना सबकी बस की बात नहीं, पैसा तो कोई भी कमा सकता है लेकिन समाज कमाना आज के युग में बड़ी बात होता है, और विशेषकर ग्राम प्रधान का जो चुनाव होता है वो समझ जाएंगे बड़े बड़े चुनाव फेल कर सकता है प्रधान, इतना बड़ा अधिक हर जगह भैया खोजते हैं, विधायक संसद के पास कोई नहीं जाएगा, लेकिन ग्राम प्रधान कितना भी विकास करता रहेगा लेकिन फिर भी लोग उनके उनका शिकायत करते रहेंगे, अगर जिनको मिला कोई सुख तब तो वो खुश है, अगर जो नहीं जो नहीं पाया तो वो शिकायत चालू कर देगा, कह रहे हो तो चीन चीन के दे रहे हैं, उनको दिए हैं उनको नहीं, अरे अरे कोई भी खाना समझ लीजिए आप खाना बनाए एक ही साथ तो सबको परोसेंगे नहीं, जब उतना बर्तन रहेगा तभी तो परोस सकते हैं, लेकिन नहीं ये समाज ऐसा है कितना भी कोई कर ले थोड़ा ना थोड़ा लेकिन लगता है, लेकिन बाद में लोग दूसरी बात जीत नहीं पाते, गांव के लोगों को धन्यवाद देना चाहिए, तीन बार का मौका दिए इतना बढ़िया भाई साहब, हम तो माने गांव वाले या ना माने लेकिन वहाँ विकास के नाम से कुछ भी नहीं, जीरो हमारे मोजरा जब बारिश होता था तो लोग परेशान हो जाते थे कि कैसे हम अपने दरवाजे पे जाएं, जब प्रधान में चुनी गई तो पहले तो लोग रखे सवाल कि हमारे गांव का कोटा हमारे गांव में आना चाहिए, तो हमारे गांव के कैलाश राजा थे उनके भाई को कोटा दिया गया और नई ठाकुर चला, और वो भी जब डब्बे का लाइन लगता था तो लात से मार के जो है डब्बा छिटा देते थे, फिर सब भी पेट्रोल के लाके लाइन लगते आया, फिर इसके बाद जो है कि जो भी आवास संदास जो भी आया इसी प्रधानी में पकड़ लीजिए, कम से कम 250 संदास बनवा चुकी, 20-25 आवास बना, क्या 100-150 बना, लेकिन फिर भी अभी किसी का मुंह सोज है किसी का मुंह नहीं, वो तो हर गांव में एक के साथ हम क्या करें, कहां से घर में तो है नहीं कि हम एक के साथ सबको दे दे, लेकिन फिर भी कहती हूँ कि भैया धीरे धरे रहो, मैं रहूँ या ना रहूँ लेकिन ऑनलाइन करा दी आप लोग पाएंगे, अभी तो नेट पर ही है सब ऑनलाइन होता है, बहुत बढ़िया हम लोगों को गर्व महसूस हुआ है आप स्टूडियो में आए, और गांव मुजरा और कुसिया की सभी जनता को हम लोग धन्यवाद देते हैं, तीन बार आपने हमें मौका दिया और जैसे मौका दिया माता जी ने वैसा काम किया है, बहुत बहुत हम लोग आभार प्रकट करते हैं, बहुत बहुत सबको धन्यवाद देती हूँ, और हमारे कवि साहब को मैं नमस्कार करती हूँ, जो गलती हुई हो भाई क्षमा कीजिएगा, और भगवान करे कि आप लोगों को सफलता मालिक पूरा करे, माँ देवी की नाम हो दुनिया में।